तो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आज इस वीडियो में एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। अच्छे से इस वीडियो में आपको ये क्वेश्चन समझाने वाला हूँ, प्रूव दैट का। और एचबीएससी बोर्ड में 100% ये क्वेश्चन आता है, और सीबीएसई बोर्ड से भी और अदर बोर्ड से भी ये क्वेश्चन जरूर आता है। आपका क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। कि आपको प्रूव करना है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। यहाँ पे तो देखो, यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, अब रूट 5 क्या आपका एक इरेशनल नंबर है, बट इसको हमने अपोजिट क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया है कि ये आपके पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। मींस लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्रेरी दैट रूट 5 इज रैशनल, ठीक है। एंड ए एंड बी आर को प्राइम। तो को प्राइम क्या आती है, सबसे पहले मीन्स सहअभाज्य संख्या जिसका अक्षेप क्या हो, 1 हो, ठीक है, वो क्या आता है आपका, को प्राइम नंबर होता है डियर फ्रेंड। अब देखो यहां से आपका रैशनल नंबर क्या आता है, ए अपॉन बी, मीन्स बी नॉट इक्वल 0, वेयर वेयर बी नॉट इक्वल 0, यही होता है ना आपका रैशनल नंबर, ए अपॉन बी मीन्स या पी अपॉन क्यू, ठीक है। तो हमने रूट 5 इक्वल क्या लिख दिया, ए अपॉन बी। तो अब यहां से हम सोल्व करते हैं, देखो इस क्वेश्चन को। अब देखो रूट 5 इक्वल ए अपॉन, सॉरी यहां पे लिख देता हूं ए अपॉन बी। अब क्या करता हूं मैं यहां से, अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, तो रूट 5 इंटू में बी इक्वल क्या हो जाएगा, ए। अब हमें क्या करना है, बोथ साइड स्क्वेयरिंग करनी है, मतलब स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग स्क्वेयरिंग बोथ साइड, बोथ साइड, बोथ साइड हम स्क्वेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो अब रूट 5 बी और इसका स्क्वेयर इक्वल ए का स्क्वेयर, क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट। देखो यहां से हम इसको सोल्व करते हैं, देखो करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका स्क्वेयर कितना आ जाएगा, देखो इसका स्क्वेयर आपके पास आ जाएगा रूट 5 का स्क्वेयर क्या आ जाएगा, 5, और बी का बी स्क्वेयर, अच्छा इसका क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है, हो गया आपके पास। अब आपको क्या करना है, यहां से देखो, अब आपको यहां से लिखना है ए स्क्वेयर इज डिविजल बाई ए स्क्वेयर इज डिविजल बाई 5। अपने थ्योरम 1.4 पढ़ी है, रूट्स 2 वाला, इस तरह आपको प्रूव करके दिखाया था मैंने, तो उसी तरीके से वो क्वेश्चन करना है। तो ए आल्सो डिविजल बाई 5, मीन्स ए स्क्वेयर आपका 5 से विभाजित है, तो ए भी आपका क्या होगा, 5 से विभाजित होगा, तो आपका ये हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहां से ए इक्वल 5c। अब ये c क्या है, c एन इंटीजर, मतलब क्या है, c कोई हमारे पास पूर्णांक है कोई, ठीक है, लिख देता हूं यहां पे मैं c एनी इंटीजर, ठीक है, सी आपके पास क्या है, कोई पूर्णांक है। अब आपको क्या करना है, इस ए की जगह आपको क्या पुट करना है, 5c पुट करना है, तो कर देते हैं हम ए की जगह, तो 5b इक्वल बी स्क्वेयर इक्वल 5c का स्क्वेयर, क्यों, हमने इस ए की जगह क्या किया, 5c पुट किया, अब हमने पुट कर दिया, तो 5b स्क्वेयर इक्वल, अब 5c का स्क्वेयर कितना हो जाएगा, 25c स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है। आप 5 से कैंसिल आउट करेंगे इसको 5 पे, तो बी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 5c स्क्वेयर, ठीक है। अब वही लाइन इसमें फिर लिख देंगे कि बी स्क्वेयर इज डिविजल बाई 5, बी आल्सो डिविजल बाई 5, वही थ्योरम 1.4 से, ठीक है। तो 1.4 थ्योरम से हमने पढ़ा कि बी आपका क्या है, बी स्क्वेयर डिविजल बाई 5 है, तो बी भी आपका क्या होगा, डिविजल बाई 5 होगा। नेक्स्ट क्या करते हैं, आपका यहां से आपका इतना हो गया, अब हमें क्या करना है, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, आपको कहोगे फर्स्ट एंड सेकंड कहां है, देखो हमारा ये एक कंक्लूजन ये निकला था ये, ठीक है, और एक हमारा ये निकला है। अब क्या आ जाएगा, देखो यहां से जो हमारा कैलकुलेशन निकला है, अब ये हो गया। अब देखो ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर क्या है आपका, देखो इसमें भी 5 है कॉमन फैक्टर आपका, और इसमें भी क्या है, 5 है,
और को प्राइम नंबर क्या होता है जिसका अक्षेप क्या हो, वन होता हो। तो यहां पे तो क्या आपका जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, फाइव। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, एक को प्राइम नंबर नहीं है ना। तो आगे देखो क्या हो जाएगा, तो हमारा जो कंक्लूजन, हमारा कॉन्ट्राडिक्शन है वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हम दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज, देखो क्यों हमारा जो विरोधाभास है, मतलब जो हमने लेट रूट फाइव रैशनल नंबर किया था, तो देखो यहां से नहीं आया ना, क्योंकि बी स्क्वायर डिविजल बाई फाइव है, तो बी भी आल्सो डिविजल बाई फाइव होगा। बट अगेन हमारा जो कॉमन फैक्टर है वो फाइव पर है, बट हमारा क्या आना चाहिए, वन आना चाहिए। तो यहां से कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज आवर इनकरेक्ट अजम्पशन, मतलब जो हमने अज्यूम किया था वो क्या आ जाएगा, अजम्पशन, जो भी अजम्पशन, ठीक है। तो सो वी कैन से दैट, तो हम कह सकते हैं रूट फाइव इज इरेशनल, क्या आ जाएगा, रूट फाइव इज इरेशनल। तो ये क्या आपके रूट फाइव एक इरेशनल नंबर है। तो हमने ये प्रूव कर दिया, आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट।